राम राम जी, होप यू गाइस आर फाइन, आई एम आल्सो फाइन। तो आज की वीडियो भी एमडीयू से रिलेटेड होने वाली है, जिसका रिजल्ट नहीं आया उसके बारे में बताऊंगे, और जिसके पेपर होने वाले हैं और जो ये पीर के फार्म लिख रहे हैं उनका बारे में। तो पहला, तीसरा और पांचवा सेमेस्टर का रिजल्ट रुक रहा था, तो वो रिजल्ट यूनिवर्सिटी खुलने के बाद ही आओ। उससे पहला पहला तीसरा और पांचवा कौन सा कॉलेज हो, जाट कॉलेज हो, नेकीराम कॉलेज हो, आईसी कॉलेज हो, हर एक कॉलेज का रिजल्ट है वो यूनिवर्सिटी खुलने के बाद ही आऊगा। और दूसरा, चौथा और छठा, यानी कि इवन सेमेस्टर के रिजल्ट पेपर कब होंगे, तो इवन सेमेस्टर के पेपर होंगे जुलाई या अगस्त में बताया गया है तत्व की भाई, हाँ जुलाई या अगस्त में पेपर होंगे, तो जुलाई अगस्त तक का वेट करो। दूसरा पॉइंट है, जिसके लिए पेर के फार्म लिख रहे हैं वो बता दो किस किस के फार्म लिख रहे हैं, कौन कौन भर सका है। तो देखो, बीए, बीएससी, बीकॉम पास कोर्स, ऑनर्स, दूसरा चौथा सेमेस्टर के और दूसरा चौथा सेमेस्टर के फार्म लिख रहे हैं। एलएलबी के भी पेर के फार्म लिख रहे हैं वो भी भर सका है, फार्मेसी के भी है वो भी भर सका है, और एमए, एमएससी, एमकॉम, एलएलएम सारे इनके हर एक सेमेस्टर के फार्म है वो भर सका है, कल लास्ट डेट है। आलपीजी कोर्स 5 ईयर इंटीग्रेटेड इवन सेमेस्टर के, एमसीए दूसरा चौथा और छठा सेमेस्टर के फार्म लिख रहे हैं, मैनेजमेंट कोर्स के भी सारे फार्म लिख रहे हैं, बीटेक के इवन सेमेस्टर के फार्म लिख रहे हैं, और एमटेक के भी इवन सेमेस्टर के फार्म लिख रहे हैं। बीएड के फर्स्ट ईयर के हैं ओनली, एमएड के दूसरा और चौथा सेमेस्टर के फार्म है, बीए बीकॉम डिस्टेंस के फर्स्ट और सेकंड ईयर के फार्म लिख रहे हैं, डिस्टेंस के एमए, एमकॉम, एमएससी, पीजी कोर्सेज के भी फार्म लिख रहे हैं रीअपीयर के, तो वो रीअपीयर के फार्म भर सका है। इन रीअपीयर के फार्म्स के साथ साथ इम्प्रूवमेंट के फार्म भी लिख रहे हैं, तो जिसने इम्प्रूवमेंट करना हो साथ में फार्म भर सका है। और कई जने जो कहोगे कि हमारा तो रिजल्ट आया ही नहीं है तो हम फार्म को कर भर सका, तो इस खतर नहीं है, यूनिवर्सिटी जीमेल दे रही है, अगर आपने आपकी कुछ भी क्वायरी है तो आपने उन जीमेल्स पे अपनी खुद की डिटेल सेंड करके पूछ सको कि हाँ भाई मैं एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ रीअपीयर का फार्म भरने खतर, तो वह जीमेल आपने डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। अगर किसी भाई ने रीअपीयर का फार्म भरना है जिस दिन लगा हाँ भाई मेरा रीअपीयर एज का, तो एक बार वो एमडीयू में पता कर ले, तो उस खतर जीमेल दे रही है, अपनी पूरी डिटेल उस जीमेल पे भेज के ना, तो यूनिवर्सिटी वाले बता देंगे कि भाई हाँ तेरे तो एलिजिबल है या नहीं है, तो उस खतर है reappear@mdurohtak.ac.in या जीमेल है, इस पर आप अपना रीअपीयर की डिटेल दे सको। और अगर किसी का फीस इश्यू है वह जिसने रीअपीयर का फॉर्म भर दिया है और उसकी फीस नहीं कटी है या शो नहीं हो रही है, तो उसके लिए दूसरी जीमेल दे रखी है एमडी यूनिवर्सिटी ने, fees@mdurohtak.ac.in। ये तो नूर दिखण भी लाएगी होगी, बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा इन दोनों का, तो इनमें पता कर सको हो जाएगा। और अगर इन पे भी आपका कुछ भी जवाब ना मिला है तो इनते एक हेल्पलाइन नंबर भी दे रखी है, वो हेल्पलाइन नंबर है 012-62-29-32-32। यो हेल्पलाइन नंबर है, इस पर आप कॉल करके पूछ सको हो, अगर मुश्किल है बाकी मिलना नंबर, क्योंकि यूनिवर्सिटी का नंबर है तो बिजी रहेगा, तो आप ये दो जीमेल हैं और यो हेल्पलाइन नंबर है, इस पर पता कर सको हो। तो आज की वीडियो इतनी थी, बाकी अगर कोई भी कोई क्वेरी रहेगी हो तो पिछली वीडियो देख लो एक बार, 4 वीडियो बनाए रखी है, अगर उनमें भी आपका कोई भी क्वेश्चन या कुछ भी सॉल्व नहीं होता तो कमेंट कर दियो, आपका आंसर दे देंगे। बाकी इंस्टाग्राम पे आज इंस्टाग्राम पे बता दूंगा मैं सारी चीज़ जिसका कमेंट ना रिप्लाई दिया जावे तो, और चैनल में सब्सक्राइब कर लो। राम राम।